उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। रेलवे के रनिंग स्टाफ की कुछ ऐसी मांगे आई है। रनिंग स्टाफ के रनिंग रूम में आने के पश्चात मोबाइल फोन जमा करने के आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। लेवल 6 ग्रेड पे 4200 में लोको पायलट शंटिंग के पद को खत्म करने के प्रस्ताव को भी वापस लिया जाए। SPAD के मामलों में निर्धारित मापदंडों का पालन करें। इस प्रकार की कई सारी मांगे हैं जो रेलवे रनिंग स्टाफ के द्वारा रेलवे मंत्री के पास रखा गया है। सबसे बड़ी मांग ये की गई है कि बिना ट्रेन मैनेजर और बिना ब्रेक वान की माल गाड़ियों का असुरक्षित संचालन भी बंद किया जाए। इसी मांग को लेकर आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं साथियों। जैसा कि हमारे संजय सेक्रेटरी श्री शर्मा जी ने बताया, रेलवे बोर्ड तो बहुत कुछ रेलवे स्टाफ के लिए कर रहा है। पेपर पे आता है कि उनको बिल्कुल सीधी तौर पर जाना नहीं है, उनको सीधे घर जाना है, घर पे उनको आराम से लाना है, इज्जत से लाना है, इतना रेस्ट लेना है, सब कुछ पेपर पे बहुत चल रहा है। उनको छुट्टी लेने के लिए जाना, पास लेने के लिए जाना, सब सारा का सारा उनको सब लॉबी में हो जाएगा। लेकिन क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये शर्म की बात है हमारी कि हमारे ऑफिसर तानाशाही दिखा के और उनको जबरदस्ती काम करा रहे हैं, जबकि आपने एक वीडियो वायरल हुआ था जिसकी रनिंग स्टाफ की लेडीज ने धरना दिया था, DRM भागते फिरे थे। अभी स्थिति यही आने वाली है, घर को रनिंग स्टाफ देख ही नहीं पाता है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, घर में खाने का सामान क्या है क्या नहीं है। हम तो उनकी धनवालियों को धनवा देते हैं कि पूरा घर चला रहे हैं। मजदूर संघ के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण और रनिंग स्टाफ के सभी भाई जो यहाँ उपस्थित है, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वैष्णव मधु संघ की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी रनिंग कैटेगरी से होने के बावजूद आज इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। विभिन्न वक्ताओं ने आपको विभिन्न बातें बताई। साथियों, आप सोचिए बातें कितनी पराकाष्ठा पे पहुंच गई हैं कि डॉक्टर एम रघुइया जनरल सेक्रेटरी NFIR के, उन्होंने भी एक चिट्ठी रेलवे बोर्ड को लिखी है और ये निर्देश दिए हम सबको कि रेलवे के विभिन्न मंडलों पे विभिन्न स्तरों पे रनिंग स्टाफ के साथ जो अन्याय हो रहा है, चाहे वो छुट्टी से लेन देन हो, चाहे वो उसके वर्किंग से लेन देन हो, चाहे उसके पारिवारिक प्रॉब्लम्स हो, ये एक पराकाष्ठा पे पहुँच चुकी है और इसको रेलवे बोर्ड तक रिप्रेजेंट किया गया है और हर ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन के हर लेवल पे ये बात पहुंचाई जाए, इसके लिए ये शुरुआत हम लोगों ने अभी की है और आने वाले समय में बड़े आंदोलन भी यदि करना पड़े तो एकजुट होकर हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देखिए कुछ अभी कुछ महीने